हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी IQ। 28 दिसंबर 2018 का करंट अफेयर्स आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, वेर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, यानी कि यूरोपीय दूरसंचार मानक संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? जर्मनी, स्पेन, फ्रांस या इटली? तो इसका सही आंसर है आपका फ्रांस। जो यूरोपीय दूरसंचार मानक संस्थान का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ है? फ्रांस में है। देखिए, जो इसको बोला जाता है ETSI, यानी कि यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, तो ये कहाँ पे है? सोफिया, एंटीपोलिस, फ्रांस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री विल ऑर्गेनाइज द 7th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड इन February 2019। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय February 2019 में 7वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार का आयोजन करेगा? तो इसका आंसर है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। जो 7वां राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार है, उसका आयोजन कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, यानी कि AFSPA, वॉज इम्पोज फॉर द फर्स्ट टाइम? निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार सशस्त्र बल, यानी कि विशेष शक्तियाँ अधिनियम AFSPA लगाया गया था? तो इसका आंसर है आपका 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट, यानी कि 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट हैं उनको क्या बोला जाता है? 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, इनके साथों के नाम आपको पता होंगे। अगर नहीं पता तो आप GK Tricks की प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और उसके अलावा वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम को भी, चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलरली PDF वगैरह मिलती रहे। ठीक है, और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नीचे रेड बटन दबाकर बेल आइकन आएगा साइड में, छोटा सा बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि डेली आप तक अपडेट पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज चीफ बॉक्सिंग कोच रिसेंटली, हाल ही में से निम्नलिखित में से किसे भारत के मुख्य मुक्केबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विकास कृष्ण यादव, अखिल कुमार, CA कुटप्पा या फिर परमजीत समोटा? तो इसका आंसर आपका CA कुटप्पा। इनको हाल ही में भारत के मुख्य मुक्केबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये इनकी एक तस्वीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द कंडीशन ऑफ द सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर आर डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा और कार्यकाल की शर्तें निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? यानी कि वो कितने साल के लिए काम करेंगे, उनकी शर्तें क्या हैं, उनके जो उनके बारे में ये सब निर्धारित करता है वो कौन होता है? वो प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, पार्लियामेंट्री एक्ट। तो इसका उत्तर है आपका पार्लियामेंट्री एक्ट। ना प्रेसिडेंट, ना प्राइम मिनिस्टर और ना ही VP, ये कोई तय नहीं करता है। इलेक्शन कमिश्नर की जो शर्तें हैं और उसकी जो कार्यकाल है, ये इनमें से कोई तय नहीं करता। कौन करता है? पार्लियामेंट्री एक्ट। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिव्या पाटीकर जोशी, हु हैज़ बीन क्राउन मिसेज इंडिया 2018, इज़ फ्रॉम विच स्टेट? दिव्या पाटीकर जोशी, जिन्होंने मिसेज इंडिया 2018 का ताज पहनाया गया है, वो किस राज्य से? राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात? तो इसका आंसर है आपका MP। MP से वो बिलोंग करती है। नाम क्या है? दिव्या पाटीकर जोशी, मिस इंडिया 2018, ये ध्यान रखना आपको, दिव्या पाटीकर जोशी, और कौन से स्टेट से? MP से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट आर बींग रनिंग इन द नेम ऑफ जगन्नाथ आश्रम्स? निम्नलिखित में किस राज्य में जगन्नाथ आश्रमों के नाम से चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट चलाए जा रहे हैं? तो इसका आंसर आपका हरियाणा। जगन्नाथ आश्रम के नाम से इसमें चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट चलाए जा रहे हैं, कौन सा स्टेट है? हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, माउंट एटना विच इज न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? माउंट एटना जो कि खबरों में है, किस देश में स्थित है? तो इसका नाम है इटली। इटली में स्थित है माउंट एटना। आज का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज गॉट ए न्यू हाई कोर्ट रिसेंटली? निम्नलिखित में किस राज्य को हाल ही में उसका एक नया उच्च न्यायालय मिला है? तो आंध्र प्रदेश, गोवा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश? तो इसका आंसर आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के पास में अपना उच्च न्यायालय अलग से नहीं था, ठीक है, तो उसको एक नया उच्च न्यायालय, मतलब उच्च न्यायालय था लेकिन एक नया उच्च न्यायालय अभी दिया गया है, किसको? आंध्र प्रदेश को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल फॉर द स्टूडेंट इन रूरल एरिया? यानी कि किस राज्य में भारत ने ग्रामीण छात्रों के लिए भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल शुरू किया है? तो पंजाब, महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र ऊपर है पूरा,
केरला, मध्य प्रदेश, तो उसका उत्तर आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हाल ही में जो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी है उनके नाम से अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल की शुरुआत की गई है, कौन से स्टेट में? महाराष्ट्र में। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द तानसेन सम्मान फॉर 2018 बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश सरकार ने किसे तानसेन सम्मान 2018 से सम्मानित किया है? तो आपका इसका उत्तर है मंजू मेहता। इनको क्या तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया 2018 में। और आज का लास्ट क्वेश्चन, पीसीआर स्टैंड फॉर, पीसीआर की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो इसका उत्तर होता है पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री। इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, पीसीआर की जो फुल फॉर्म होती है वो पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री। ठीक है, वीडियो अगर आपने कंप्लीट देखी, आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करोगे। आप कमेंट करके मुझे बताओगे कि आपको कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगा, इसमें इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि डेली करंट अफेयर सुबह अपलोड होती है तो डेली आप देखोगे। ठीक है, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।